हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, हम सब के घर में इस तरह का खाली चश्मे का डब्बा रहता है, तो आज हम इसी खाली चश्मे के डब्बे से क्राफ्ट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कटोरी में 3 चम्मच बॉल पुटी, 2 चम्मच फेविकॉल और 1 चम्मच पानी मिक्स करके पतला घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के बाद हम एक ब्रश की हेल्प से इसे इस पे अप्लाई करेंगे। इस प्रोसेस को हम 2 बार करेंगे। जब हमारा फर्स्ट कोट सूख जाएगा तब हम इसे इस पे दोबारा अप्लाई करेंगे। दोबारा अप्लाई करने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तब हम इस पे आगे की डिटेलिंग करेंगे। अब हम थोड़ी सी बॉल पुटी लेंगे और उससे जो भी फ्लावर और डिज़ाइन बनाना है बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया है कि बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं। अगर आपको बॉल पुटी का परफेक्ट डो बनाना नहीं आता है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो बॉल पुटी से फ्लावर बनाया है उसे बॉल पुटी के गाढ़े घोल से चिपकाया है। आप इसे फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। उसके बाद हम एक कोन में बॉल पुटी का घोल तैयार करके उससे डिज़ाइन बनाएंगे। इस घोल को बनाना बहुत आसान है। हमने जैसे शुरू में घोल तैयार किया था इस घोल को भी उसी तरह से बनाएंगे। बस ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। इस घोल को बनाने के लिए हम एक कटोरी में 4 चम्मच बॉल पुटी, 2 चम्मच फेविकॉल और 2 चम्मच पानी मिक्स करेंगे और उससे घोल तैयार करेंगे। अगर आपका घोल थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो आप उसमें थोड़ी सी पानी और मिक्स कर दें, और अगर आपका घोल पतला हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा बॉल पुटी मिक्स कर दें। उसके बाद इसे एक कोन में भर दे और आगे का थोड़ा सा सिरा कट करके इससे डिज़ाइन बना ले। उसके बाद इसे सूखने के लिए रख दे। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तब इस पे हम कलर करेंगे। कलर आप अपने अकॉर्डिंग करें, आपको जो भी कलर पसंद हो आप वही कलर करें। मैं इसे एंटिक लुक देने के लिए पहले ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ। अंदर की साइड हम इसे येलो कलर से कलर करेंगे। फ्रेंड्स, कलर करते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि जब आपका एक कलर सूख जाए तभी उस पे कोई दूसरा कलर करे। मैंने इस क्राफ्ट में जो कलर यूज किए हैं मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ब्लैक कलर के ऊपर मैंने यहाँ पे गोल्डन मेटैलिक कलर से कलर किया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ज्वेलरी बॉक्स बनके तैयार हो गया है। बाहर से इसे मैंने एंटीक लुक दिया है और अंदर में मैंने इसे इस तरह से कलर किया है। ये बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी इस क्राफ्ट को एक बार ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। इसमें अपनी ज्वेलरी को और भी सेफ रखने के लिए इसके नीचे आप एक रुई की परत दे दें और उस पर अपनी ज्वेलरी को रख के और भी सेफ रख सकते हैं। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपनी ज्वेलरी को इसमें बहुत ही आसानी से और सेफली आप ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।